नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बार बार नए टास्क क्यों देते हैं। जैसे पहले थाली बजाने के लिए कहा, अब दिए जलाने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इसके पीछे कोई मानसिक कारण है? यही आज समझने का प्रयास हम करेंगे। पहली बात ये समझ ले कि मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। हमारे पूरे जीवन का प्रयास मध्य में ठहरने का है, मतलब ना इस तरफ ना उस तरफ, मध्य में रुकना है। तो इसी मध्य को मध्य नज़र रखते हुए हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या यह हमारे मानसिकता के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें यह बातें कह रहे हैं क्योंकि यह हमारे मन से ज़्यादा संबंधित है। लॉकडाउन की सिचुएशन में सभी लोग घर पर अटके हुए हैं, जैसे घर पर उन्हें बांध कर रखा हुआ है। हमारे मन को जन्म से लेकर आज तक इस तरह बांध कर रखने की आदत नहीं है, तो मन बड़ी उलझन में है, बड़ी उलझाव में है। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करे और क्या ना करे। तो दोस्तों, यह जो हमें टास्क दिए जा रहे हैं, इस टास्क से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मन को कहीं ना कहीं एंगेज रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं, जिससे हम जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहे हैं वह भटकना थोड़ा कम हो। किसी को इससे आनंद आ सकता है और किसी को यह ऐसा ही कुछ लग सकता है, लेकिन इन दोनों का भी मन इस टास्क में एंगेज रहेगा यह बात तो पक्की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मन को इस टास्क से बड़ी चतुराई से बांधना चाहते हैं, एंगेज रखना चाहते हैं। आप देखिए, जैसे ही उन्होंने घोषणा कर दी, वैसे ही सब न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर अनेकों अनेक मैसेज आने शुरू हो गए हैं। मेरे जैसे कई सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। कोई अंक शास्त्र में प्रवीण है तो उसके बारे में बता रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी में प्रवीण है तो उसके बारे में बता रहा है, और उस वीडियो को, उस पोस्ट को भारत में के लाखों लोग पढ़ रहे हैं और अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या हो गया कि इससे आपका मन किसी बात में थोड़ी देर के लिए का ना हो एंगेज हो गया। आप उस परिस्थिति से बाहर निकलकर दूसरी परिस्थिति के बारे में सोचने लग गए। हमारा मन ऐसा है कि हमने हमारे मन को अभी तक स्थिर रहना सिखाया ही नहीं है, तो इस परिस्थिति में हम डावाडोल ना हो और कुछ ना कुछ खाद्य हमारे मन को मिलता रहे, यही इस टास्क देने के पीछे मतलब होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी लोग इस टास्क को डिज़ाइन करने के पीछे होंगे या खुद प्रधानमंत्री जी होंगे, उनकी दूरदृष्टि को, उनकी चतुराई को और लोगों को एंगेज रखने की स्ट्रैटेजी को हमें मानना ही पड़ेगा। उस स्ट्रैटेजी को हम नकार नहीं सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी भी पक्ष को मानने वाला आदमी हो, या चाहे किसी भी विचारधारा का आदमी हो। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मन को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति को वह स्वीकार कर सके और किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके, किसी भी परिस्थिति में हम मध्य में रहना सीखे। विचारधारा से अलग निकलकर हमारे मन से संबंधित क्या यह बात हो सकती है, यह जानने का हमने इस छोटे से वीडियो में प्रयास किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर यह पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।